बिहार में मुखिया महासंघ के आंदोलन के बीच पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को सख्त आदेश जारी कर दिया है। अब मुखिया के अनुपस्थिति में उनके कार्यों और दायित्वों को लेकर जिला अधिकारियों को नए निर्णय से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों से कहा है कि अगर कोई मुखिया अपने कर्तव्य से 30 दिनों से अधिक तक अनुपस्थित रहता है तो 31वें दिन मुखिया का प्रभार उसी ग्राम पंचायत के उप मुखिया के पास स्वतः चला जाएगा। मुखिया अस्वस्थता अथवा अन्य कारणों से 30 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो पंचायत सचिव को कारण सहित मुखिया के अनुपस्थिति की लिखित ससमय सूचना संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को देनी होगी। इसके बाद 31वें दिन उप मुखिया स्वतः मुखिया का प्रभार ग्रहण कर लेगा और इसकी लिखित सूचना संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति को देगा। मुखिया के रूप में कार्य करने के लिए उप मुखिया को कोई आदेश प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उप मुखिया से सूचना मिलते ही कार्यपालक पदाधिकारी उसकी सूचना जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा प्रभारी मुखिया को वित्तीय लेन देन के लिए डोंगल बनवाया जाएगा। कोई मुखिया 30 दिनों में जमानत लेकर आ जाए तो अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। उप मुखिया मुखिया के कार्यों का निष्पादन तब तक करते रहेंगे जब तक अनुपस्थित मुखिया आकर अपना कार्य आरंभ न कर दें।